हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टाइटल जो आप पढ़े हैं वो पढ़ के आप समझ ही चुके होंगे कि ये बहुत ही यूनिक रहने वाला है और कंफ्यूज भी रहेंगे काफ़ी जन कि आज किस विषय पे बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक क्यों चुना मैंने कि मेरे सफ़ेद और झड़ते बालों का राज। ये सफ़ेद और झड़ते बालों का राज में एक लेसन छुपाया गया है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो अब भी कितने परसेंट सफ़ेद हैं। देखिए एक बार जूम कर दीजिए कैमरामैन, पीछे से एक बार दिखाता हूँ और ये भौंरा भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भौंरा हुआ है, तो गाइज अब कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितने परसेंट अभी लगते हैं आपको मेरे बाल सफ़ेद है। तो पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है अभी 15% के आसपास मेरे सफ़ेद बाल है। और आपको ये जानकर हैरानी होंगी कि 12th में मेरे एटलीस्ट मेरे 70% बाल सफ़ेद थे। और 12th के बाद जब मैं सेकेंड ईयर में था तब तक दो तीन 12th के बाद दो तीन साल बाद तो मेरे 80-90% बाल वाइट हो चुके थे। और ये भौरा तो मुझे बचपन से है पर भौरा इतना गहरा वहाँ बढ़ते जा रहा है। और मुझे लगा था कि मेरे जो बाल है बहुत इससे अब भी जितने झड़े हैं उससे काफ़ी झड़ जाएंगे, काफ़ी टकला जल्दी हो जाएगा, तो इतना नहीं हुआ है। गाइस आपको जानकर हैरानी होंगी कि 3 साल पहले तलक मैं बिना डाई किए नहीं रह सकता था। मेरे बाल 70-80-90% सफ़ेद थे और अब भी 3 साल से मैंने डाई नहीं किया और अपने आप बाल ब्लैक होते गए हैं। सफ़ेद का जो परसेंटेज, सफ़ेद बालों का परसेंटेज बहुत घटते गया है। तो इसका क्या रीज़न है गाइस? इसका रीज़न मैं एक बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स अपन धूप में बहुत खेलते हैं। पहले मैं हेलमेट ख़राब यूज़ करता था, हेलमेट ख़राब यूज़ करने की वजह से भी काफ़ी चीज़ें होती है कि बहुत पसीना होता है, बहुत डैंड्रफ होता है। और मैं पहले से ही बालों का इतना ध्यान नहीं रखता था पर बाल लंबे रखना पसंद था और मुझे रफ़ बाल बहुत पसंद आते थे। मैं बाल शैम्पू वैम्पू भी नहीं करता था, बहुत रफ़ होने देता था और मट्टी में खेलते तो रफ़ ज़्यादा होते हैं और मुझे वो पसंद आता था लंबे बाल। आपने बहुत बार मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे होंगे कि लंबे बालों में मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो बैटिंग भी हेलमेट में बहुत सारे लंबे बाल दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है गाइस, पर ये एक रीज़न हुआ। सबसे मेजर रीज़न गाइस डाइट का है। 2014-15 से पहले मेरा डाइट बहुत पथेटिक था गाइस, बहुत पथेटिक इन द सेंस कि ना मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता था, ना सलाद खाता था, ना प्रोटीन था, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे डाइट में, कुछ भी नहीं, सिर्फ कार्ब्स फैट फाइबर, यही मुझे लगता है कि डाइट में रहता। मैं यहाँ एक बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। हमारी जो एकेडमी है ये एसोसिएटेड है स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो यहाँ टेक्निकल आस्पेक्ट में कोई ना देखे ये वीडियो कि डाइट रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने डाइट प्रॉपरली लेना शुरू किया है 2016-15-16 से मैंने डाइट पे बहुत ध्यान देना शुरू किया और उसके दो साल तलक फिर मुझे बहुत डिफरेंस महसूस होने लगा। 2015 से 17 तलक जो डिफरेंस महसूस होने लग गया मुझे कि डाइट रिगार्डिंग मेरे बालों में जो ग्रोथ आई है, जो बाल जो सफ़ेद होने का परसेंटेज कम हुआ है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और एक बड़ा रीज़न क्या है गाइस कि हेलमेट, मुझे पहले पता नहीं था कि हेलमेट इतना ख़राब यूज़ नहीं करना चाहिए, जो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है हेलमेट में मैं रुमाल डाल के नहीं खेलता था और बहुत देर 500-600-700 बॉल बैटिंग करता था और बहुत गर्मी हो जाती थी, बहुत पसीना हो जाता था और सर भी दर्द होता था उस वजह से। तो हेलमेट में भी इन्वेस्ट कीजिए गाइस, बचपन से ही अच्छा हेलमेट में इन्वेस्ट कीजिए, कैप अच्छी यूज़ कीजिए। बहुत सारे लड़के हमारे एकेडमी में भी मैंने देखा है कि कोई भी कैप में फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं या मैच खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए गाइस। अच्छी कैप, एक बार का टी शर्ट ख़राब रहा या लोअर ख़राब रहा हल्का सा तो भी चलेगा, पर कैप अच्छा यूज़ कीजिए, इनर टाइट जो रहते हैं ना वो भी अच्छा यूज़ कीजिए, इस चीज़ों पे सपोर्टर अच्छा यूज़ कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेटर के लिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि अपन 8 घंटे एटलीस्ट दिन का धूप में बिताते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे गाइज। एक और चीज़ जो मुझे फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारे मेरे मित्रजन जो मेरे कलीग्स हैं बोलते, अरे आशीष
कि तेरे इतने जल्दी सफ़ेद कैसे हो गए या इतने जल्दी झड़ कैसे गए, तो उनको तो ये स्टोरी पता ही नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा झड़ते थे और बहुत ज़्यादा वाइट बाल थे और वो कम हो गए हैं. एंड मेरा एक ही आंसर रहता है सब लोगों को कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है. इसमें काफ़ी जीन्स का भी हेरिडिटरी भी रहता है, आप सबको पता है, तो उस पर मैं ध्यान देता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है. मेरे हाथ में जो नहीं है उसके बारे में सोच के समय बर्बाद क्यों करूँ गाइस. मेरे हाथ में अच्छा डाइट फॉलो करना, अच्छा फिटनेस करना, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, वो मेरे हाथ में है और उस पर मैं ध्यान देता हूँ. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. डाइट रिगार्डिंग आप जो भी डाइट, अगर आपको डाइट चार्ट बनाना है तो हम डाइट चार्ट बना देते हैं आपका प्रोफेशनली. जो बॉलर है, फास्ट बॉलर है, जो बैट्समैन है, अलग अलग जिनके रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकली पर्सनलाइज डाइट चार्ट बना देते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा बनाया जाता है गाइस, और क्रिकेटर के तौर पे मैं उसको मिल के बनाता हूँ. तो आई होप कि ये अगर आपको बनाना है ये बना सकते. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए गाइस. फिलहाल के लिए इतना ही. टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल.